नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। कई बड़े चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली नहीं है। जो लिस्ट है वो काफी उलटफेर नजर आ रहा है। आखिर क्या पुराने चेहरों पर भरोसा जताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर जिस कार से नए जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ पर 8-8 बार के सपा उम्मीदवार को हरा कर यहाँ पर मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी या नहीं, इसको लेकर यहाँ पर योगी मंत्रिमंडल के 2.0 के नए जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं। लेकिन किसे जगह मिलने वाली है, क्या महिलाओं को यहाँ पर ज्यादा जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर पुराने चेहरे या फिर नए चेहरे, आखिर कौन हो सकते हैं मंत्री, क्योंकि 20 से 25 मंत्रियों को मिल सकती है मंत्री पद में जगह, तो योगी कैबिनेट के नए मंत्री बन सकते हैं, इन पर फाइनल मोहर लगभग बनने वाली है। लेकिन ये नाम सामने है जिसमें सबसे बड़ा नाम है सरिता भदौरिया, जयवीर सिंह, दया शंकर सिंह भी यहाँ पर बड़े यहाँ पर नाम है जिन पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आगे चल रहे हैं कैबिनेट में, ने मंत्री पद मिल सकता है, ये बड़ी खबर है। ये मंत्री बन सकती है जिनमें अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में उन्हें एक बड़ी जीत मिली, तो अब बीजेपी चाहेगी कि उन्हें एक बड़ा मंत्री पद भी दिया जाए, तो ये बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं मंत्री पद इन्हें मिल सकता है। सलम मणि तिवारी, असीम अरुण को भी यहाँ पर योगी कैबिनेट में यहाँ पर जगह मिलने वाली है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजेश्वर सिंह, यहाँ पर रामविलास चौहान, डॉक्टर सुरभि, यहाँ पर ये मोदी कैबिनेट के नए मंत्री बन सकते हैं, ये यहाँ पर जो नाम है लगभग फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डॉक्टर संजय निषाद, असीम राय ने तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े गद्दावर नेता को यहाँ पर मात दी है, इसके बाद असीम राय को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सुरेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े अंतर से जीते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर योगी कैबिनेट में यहाँ पर मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नितिन अग्रवाल हैं, पंकज सिंह हैं, सुनील शर्मा को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राजेश त्रिपाठी हैं, केतकी सिंह हैं, रामचंद्र यादव भी यहाँ पर बड़े अंतर से यहाँ पर जीते हैं, तो इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा पुराने चेहरों पर भी योगी कैबिनेट में चर्चाएं तेज हैं कि पुराने जो मंत्री रहे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, तो क्या उन्हें दोबारा से 2017 के बाद 2022 में भी मंत्री बनाया जाए। ये पुराने चेहरे हैं जो वर्तमान यहाँ पर मंत्री हैं, जिनमें श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, कपिल देव अग्रवाल, ये पुराने मंत्री हैं जिन पर चर्चाएं तेज हैं कि इन्हें भी दोबारा से मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जतिन प्रसाद, महेंद्र सिंह, भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर जो है वर्तमान मंत्री है, तो इन्हें भी दोबारा से योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नंद गोपाल नंदी है, जय प्रताप सिंह है, सूर्य प्रताप शाही भी यहाँ पर फिर से मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन और अनिल राजभर भी यहाँ पर फिर से मंत्रिमंडल की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। राम नरेश अग्रनोती और नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना भी यहाँ पर जो है फिर से मंत्रिमंडल की रेस में आगे हैं। नीलिमा कटारिया है, मोहसिन राजा भी यहाँ पर फिर से मंत्री बन सकते हैं, योगी कैबिनेट के नए मंत्री यहाँ पर हो सकते हैं। पुराने नामों पर भी सहमति बन रही है, इसके अलावा कुछ नए नामों पर भी यहाँ पर योगी कैबिनेट में फाइनल मोहर प्रधानमंत्री मोदी जी लगाने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि इस बार 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। जो सूत्रों से खबर आ रही है कि यूपी में 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिनमें बेबी रानी मौर्य है, स्वतंत्र देव है, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक पर चर्चाएं तेज है, क्योंकि केशव मौर्य जो है वो चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में आप डिप्टी सीएम कौन बनेगा, 4 नामों पर सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम ही बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर 4 बनाएंगे, 4 नाम आपके सामने रखे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने डिप्टी सीएम बनेंगे और यहाँ पर बात की जाए तो किन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिलने चाहिए, आपके हिसाब से तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।